خداشبان فرماده قرآن می سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى خدا منزه تیک تنزیه वो अपने आबद के साथ सैर को निकला सैर को निकला ये सर सलूक कौन सा सैर है शर सलूक इसमें फिजिकल सैर भी है और मेटाफिजिकल सैर भी है ठीक है जी रूह की भी सैर हुई रसूल पाक की और बदन मुबारक की भी सैर हुई क्यों बदन मुबारक की भी क्योंकि वो भी खुदा के एक एग्जिस्टेंस जो है क्रिएशन जो है उसका एक लाफक हिस्सा है एक जरूरी हिस्सा है वहाँ भी देखे क्या हो आयात ताकि हम उसको अपनी आयात को दिखा दे आयात तो उसको दिखाने दिखाना यानी आजमत क्रिएशन तो ये भी एक मसला है अब सुबहाना इसलिए कहा सुबहाना इसलिए कहा सबाह सुबहाना कि जनाब अली बिला खुदा सुबहान सैर सपाटा जो है वो वाक़ा हुआ है अपने आबद के साथ ये रात को सैर करने को बोलते हैं असरा ठीक है तो ये खुदा तो वो अपने आबद के साथ सैर सपाटा निकालना इन चीज़ वो हर जगह है, उसको निकलना और वापस आना माना है नहीं इससे खुदा मुनाजा है इसलिए क्यों क्या मुनाजा है इसमें एक है एक जगह है एक जगह नहीं है है ना खुदा जब निकलेगा कहां से कहीं तक निकलेगा फिर उधर आ जाएगी जहां से निकला वहां खाली होगा जिस तरफ जाएगा वहां पूरा होगा ऐसा तो नहीं, नहीं है सुबह फिर मैंने कहा था सुबह क्या माना है कोई भी डेप तुम्हें नहीं है बस एक से जगह से जाना दूसरी जगह तक जाना वहाँ भी है तो यहाँ भी है वह हम आय तुम फाय नम तो वजहुल जहाँ भी तुम रुख करो वहाँ पर खुदा वह हुआ फिल समा व फिल फिला आसमान में भी खुदा ज़मीन में भी खुदा है। तो बस ये सैर सपाटा खुदा की इन लोग आम लोगों को कहना चाहते हैं कि आप ना समझो खुदा भी एक नबी की तरह है ठीक तो फिर दूसरा यह है कि मस्जिद अक्सर मस्जिद हराम से बेतल कब जो हराम है वहां से शुरू है सफ़र कहाँ तक अक्सर तक खूब ये सफ़र रूहानी मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती तो ये मेरे लिए इतना मुहिम बहस नहीं है असल में हम ये जो सफ़र हुआ ये जो महराज हुआ ये जो इस जहान ने हस्ती से निकल के फिजिकल वर्ल्ड से निकले कहा मेटाफिजिकल वर्ल्ड की तरफ तो किस लिए निकले किस चीज के लिए निकले वहां पर क्या लेना था जो यहां नहीं मिला ठीक है वो यहां नहीं मिला वो बहस हम करना चाहते देखिए ये बहस भी करेंगे ये बहस भी करेंगे तो मैं, मैं मोटा मोटा इसमें अर्ज करूंगा आपको कि आप बताए सिया के आए भी क्या बता रही है सैर सपाटा निकले ये सैर फिजिकल थी या खाब में फिजिकल सीधे सीधे आए बता रही है ज़हूर व ज़हूर हजरत ज़ाहिर कलाम क्या है हजत है तो ये जाहिर कर रहा है कि खुदा अपने नबी के साथ सैर को ले गए उस असरा उसको ले गए ज़ाहिर माना इसका ये नहीं कि खुद हाथ पकड़ के ले गए ने अपने वसीलों से ले गए जबराइल को भेजा को भेजा और इसराइल इस्रा, इस्रा, और इसरा इनको इसराफील को भेज दिया उन्होंने उन्होंने अब तीन रवायतें हमारे पास बुराक बुराक एक किस्म का जो करंट की स्पीड से चलने वाला एक मौजूद है ठीक है मेरे नज़र में वो फिजिकल होना चाहिए क्योंकि हजरत को सवार होना है फिजिकली बुर्राक इसलिए कहा कि बाबा रिवायत में यह भी है की। हमारी रिवायत में भी शायद उनकी रिवायत में है कि कुंडी जब हाथ लगी थी वो अभी जब वहाँ पर हिल ही रही थी तो आप ये जो सुपरसोनिक्स पे किस पे राकेट पे होकर जाएंगे मेटाफिजिकली तो जाना नहीं है फिजिकली जाना है ठीक है तो फिजिकली बुरा ऐसी चीज है जो अभी तक इन्वेंट नहीं हुई है या इन्वेंट हुई है नजदीक है आप आप जो हमारे पास आ, 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 ऐसे सैटेलाइट्स हैं, ये क्या कहते हैं उनको हम एरोप्लेन जो है स्पेस स्पेस से है ना जो लैंड भी करते हैं यहाँ से इस टाइप की भी हो सकती है ये भी मुराद हो सकती है या कोई और जो ये तो हमने बनाई है इससे भी कॉम्प्लिकेटेड सूरत आ सकती है जब हर आदमी यहाँ से टेक ऑफ करेगा उधर चले जाए हमें ने अभी वहां तक नहीं पहुँची, तो वो वाली व, वो वाली हाँ इनोवेशन हो तो हजरत को जो बिठाया हो मैंने कहा लेकिन क्या हो कि ऐसा है ऐसे ही कुछ है इनकार पॉसिबल हाउ कैन यू रिजेक्ट इट तो अप्लाई हो सकता है गलत ये कहना है कि वही है फ़कत वही मुराद है ये एक सॉल्यूशन है हमारे बच्चे इसको हल करेंगे आगे जाके तो इल्म आगे बढ़ेगा तो हजरत गए कहाँ से हाँ तो यहाँ से गए आ, मक्का से गए कहाँ मस्जिद अक्सर तो वहाँ गए तो बिल आखिर यहाँ पर आपको मैं इस शेर की जो अजमतें आपको बताऊँ कि दाई तरफ आवाज़ आई तो हजरत ने नहीं की बाई तरफ आवाज़ आई तो नहीं की सामने तरफ़ से एक खूबसूरत औरत बन के आई तो जेवर और पहन के हज़रत ने तोजु नहीं की एक ज़बरदस्त गरज के आवाज़ सुनी हजरत ने तोजु फिर जबरमीन अल्ब से पूछा आ, कि ये दाई तरफ तो आपने उसको जवाब दिया नहीं मैंने जवाब जवाब देते तो आप ये यहूदियों का मसला था ठीक तो आपकी कौम आपके बाद क्या होते गुमराह होती उनकी तरह ठीक अगर आप लेफ्ट वालों को देते तो मसीहों की तरह। ये इब्राहिम इबन कमी कुम, अपनी तफसर उम्मी में बयान करते हैं और अमाले शेख सुदुख में भी है ठीक है रिवायत तो उन्होंने बताया कि आगे फिर कौन सा आगे जो औरत थी वो दुनिया थी वो दुनिया थी तो दुनिया दुनिया को उसने तोज नहीं की वरना उम्मत आपकी दुनिया परस्त हो जाती दीन छोड़ देती तो फिर पानी का हुआ पानी का उसका वो हुआ जिनाब ऑफ़र हुआ हजरत नहीं पिया का पानी का अगर पिया पीते तो गर्क हो जाती जो कुछ मस जो उसको पीता गर्क हो यानी उसकी उम्मत डूब जाती या ये कि मस शराब तो शराब वो उसमें लत में जलील हो जाती हज़रत ने को दूध ऑफर किया गया हजरत ने दूध पिया खूब ये सिंबल्स हैं ये सिंबल्स हैं मुराद ये है कि दाएँ दाया बाया जो यहूदी सिम्बल्स हैं जो अधान दूसरे हैं उन्हीं की हालत हो जाती अफरात तफरीत में यह हमारा दीन जो है क्या है दीने बेलेंसड और मुतवस्त है और दुनिया परस्ती जो है जहनसी मुराद यानी उमूमा जो उन दोनों हमने औरतों को बनाया क्या बनाया है जेवर हो खूबसूरती हो ये चीज़ें तो ये मुराद है वरना औरत बेचारी ऐसी नहीं है कि जिसको सिंबल दिया जाए दुनिया के साथ उसकी तशबी दी जाए ये गलत है ये अभी चूंकि अब पा खुदा बंद तबारा कैसे कलाम करता है कुरान में लसान जैसे कौम बोलते मसा हम खुदा को मुजगर बोलते मोनस बोलते हैं? क्यों खुदा मज़कर है मोनस है फिर हम मज़क्र बोलते निसाल, लोग ऐसे बोलते वो चूंकि हम समझ जाए उस वजह से ना कि खुदा वही है जो कुछ हम स... हम बोलते हैं ठीक इस तरह फिर हज़रत आए, पहुंचे वहां, उन्होंने कोई तूर पे नीचे उतरे नमाज पढ़ी उन्होंने बैतलमस में नमाज़ पढ़ी और बाजी कहते महराब जहाँ जहाँ देखा अंबियाओं का वहाँ पर उन्हें नमाज़ पढ़ी वापस आए वापस आए दुरुल मंसूर में भी हजी से तो उन्होंने रास्ते में देखा तो कारवां जा रहा था उनका ऊंट गुम हो गया था और उनका पानी था हजरत आए उन्होंने पानी में से पिया और बाकी पानी बहा दिया तो वापस आए माका में हजरत ने कहा मैं गया कहां पर गया मेराज पे गया ठीक है जी तो उन्होंने कहा सबूत कहा जी मैं आप बताएं फिर बैतलमस में कितने सौ तूने ठीक है वो डिज़ाइन हज़रत अमीन आसाम ने पूरा बैतुलमक़दस मुजस्सम सामने मिसाली तौर पर आलम मिसाल से सामने रखा हज़रत वो सवाल पूछते जाए हजरत जवाब देते रहे ठीक है और फिर हो गए ना ठंडे उसके बाद कहा अच्छा ठीक है वो कारवान कारवान वापस आया और कारवान लोगों ने हाँ हमारा जो एक ऊंट खो गया था और पानी भी गिराया हुआ था तो तस्दीक फिर उन्हें नहीं माना था तस्दीक हो गई तो तस्दीक हो गई अब मानना दूसरी बात है तो ये जो वाक़ा हुआ इसका मतलब कि हजरत गए हैं फिजिकली गए हैं ठीक है थीके? और हमारे उलामा बैजी जो साहबा भी हैं या उलामा भी है, वो कहते हैं रूहानी गए हैं मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा आपको सीधे सीधे ये जो आय का जहूर है क्या है सुबहानज़ असरा हाँ, ये स, जाहिर करता है कि वो फिज़िकल है वो बदन के साथ गई है तशरीफ़ ले गए सरो रूह के साथ ख़्वाब में नहीं ठीक है और वो जो वाक़ हुए वो पानी पीना वगैरह वगैरह वो सारे फिज़िकल है और ये फिज़िकल कौन सा है उस वक्त तो हवाई जहाज़ नहीं था ठीक है ऐसी खुदा को तो मुश्किल नहीं है जब रेल को तो मुश्किल नहीं है कि वो वो ऐसी फिज़िकल चीज़ बनाएं जो अभी हम नहीं बना पाए ठीक है इस तरह की चीज़ हजरत उस पर गए तो जब गए थे वहाँ से फिर हमारे बहुत सारे या जो मसाला है बुजुर्गान जैसे वो खेल फिज़िकल है ऐसी बात नहीं हम नहीं रूहानी मानते वो मज़ाक है और मसलन कि हम कहते हैं माजा गल बसर वका जो कुछ आंखों ने देखा वो धोखा नहीं है किनके आंखों ने हाँ रसूलुल्लाह के चश्मे मुबारक ने जो देखा वन आयात रब ही अलकुबरा उसने खुदा की बड़ी बड़ी आयात कुबरा को देखा या खाब में हाँ ये मोलामा इसको बहस करते है, ये क्या है फिजिकल है मेटाफिजिकल आप जो अगर ख्वाब में देखे उसको आया कुबरा खुदा कहेगा खाब में जो देखा जाए लोग ख्वाब को क्या हिसाब करते हैं तखयल ख्याल हाँ खुदा यहाँ नहीं कह रहा है ख्याल है बल्कि अजामते बयान कर रहा है लिनुरिया आया मेन आयाते कुबरा आयातना या आयातलकुब्रा अजीम चीज है तो ये फिजिकल बयान करता और कोई मुश्किल नहीं हमारे मैं लामा बैजमा मसल ये कहते हैं कि बल्कि आ, अभी एक और मसल एक दो गुरु बनते हैं शेमा में वो कहते हैं कि हमारे अलामा जो हैं वो कहते हैं कि ये आ, मेराज कहाँ तक था ये मेराज जिस्मानी जो है बैतुलमक़दस था अरे बैज़ा लामां ने मसून कहा है कि सुन भी कहते हैं वहाँ जो नमाज़ एक लाख चौबीस हजार पैगम्बर ने हज़रत के ठीक है एक लाख तेईस हजार नौ सौ नन्यानवे ने जो पढ़ी हजरत के पीछे नमाज कैसे पढ़ी हाँ हज़रत फिजिकली थे वो मेटाफिज़िकल थे। हजरत ने फिजिकली पढ़ी उन्होंने मेटाफिज़िकली पढ़ी इसलिए मेटाफिज़िकली वो एडजस्ट हो सकते हैं हाँ, वो मुश्किल नहीं फिजिकली जरा मुश्किल है ये ना करे पर हजरत वहां से तशरीफ ले गए बैतुलमुदस से कहाँ ऊपर अब यहां पर बहस है। यहां पर बहस बहस कहते हैं कि ऊपर जो चले गए ऊपर चले गए वो हाँ वो मेटाफिजिकल है क्यों क्यों बदन जा ही नहीं सकता बैतुलमोस का कंसेप्शन था का कंसेप्शन नहीं था बेहतर कंसेप्शन के मुताबिक उस वक्त तो वहां पर क्या था एक छत थी ये सब नीली छत छत जिसको हम आसमान में छत है इसको अगर बाहर जाना है तोड़ के जाना तो हजर कैसे तोड़ के जाएंगे ठीक है तो इसलिए मुमकिन नहीं है फिर वो के? उसको कौन जोड़ देगा इल्तियाम पहले फाड़ना फिर उसको दोबारा बना ये महाल अपने ख्यालत में हाल ये फिजिकल चीज़ है यहाँ पर अकली क्यास आ रहा या नहीं चलेगी तो हजरत इसलिए कहते थे, थे हमारे चूँकि वसायल इी क्या थे महदूद थे कॉपरजिक्स अभी नहीं आया था ग्लैलो गली वगैरह नहीं आए थे उन्होंने ये कंसेप्शन मॉडर्न फिज़िकल वर्ल्ड के अभी नहीं दिए थे तो वो उन उस बुनियाद पर हमारे उलामा भी क्या करते इसलिए मैंने कहा ना साइंस को साइंस को दीन से जुदा न करो परेशान हो जाओगी तो वो इसलिए नजरे यहाँ तक बता दी नहीं हो सकता फ़कत अभी ताज़ा मैंने देखा है हज़रत उस्ताद आयतुल्ल जवादी अहम हफि वो कहते हैं हज़रत गए हैं रसूल इसी बुराक पे बुरा फिजिकल था और इसी बुराक से गए हैं कहाँ जिसको आप ब्लैक होल्स तो मतलब एक्सट्रीम तक ब्लैक होल्स तक फर्ज करें वो एक्सट्रीम हो किसकी फिज़िकल वर्ल्ड की वहाँ तक गए हैं और जिसम के साथ मुबारक के साथ गए हैं ठीक है ये महराज का फिज़िकली वो एक एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे ओला के नज़रियात पे कि आपको मालूम है इतना आसान नहीं है मसला आप कुछ किलोमीटर तो ऊपर जाओगे साफोकेशन हो जाएगी फिर ठंड आ जाएगी वही मर जाएगा अभी कहाँ होगा एटमॉस्फेयर में ही होगा फिर आगे जाएगा हाँ फिर ओजोन लेयर को क्रॉस करेगा हाँ वहां रूहें नहीं आ पाती को खास क्या करना पड़ता है अरेंजमेंट करना पड़ता है तब वो जाके फिजिकल वर्ल्ड में आ जाती है लेयर एक शील्ड बनाया हुआ है। किसके लिए हम इंसानों के लिए ये फिजिकल है प्रॉपर्टीज मेटाफिजिकल भी है इसमें और उसको पेयरस आउट करने के लिए हमारे इनको अरेंजमेंट करना पड़ता है किनको अरवाह को जो भी जन्नत से यहां आते हैं ठीक अब ये रूह हम बदन जाएगा कैसे जाएगा आपको मालूम वहां पर इंफ्रारेड रेज है वहां पर कॉस्मिक रेज है वहां पर ऑक्सीजन नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है लॉस ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी ये इंसान कहां जाएगा वहां पर मेटरअस है या नहीं है वहां खतरनाक रेज है या नहीं तो कैसे जाएगा उसके पास क्या फकन घोड़े पे बैठना चले जाना एक मसला नहीं है ना बस बुराक में बुराक में अरेंजमेंट्स थी या रसूल में अरेंजमेंट्स थी सलबातल हाँ हा। बुराक ऐसा था जैसा हमारा सैटेलाइट हो जैसा हमारा मिजाइल है या स्पेस शटल है ठीक है और खुद रसूलुल्लाह सलबातल्ला ने अपने वजूद जो फिजिकल वजूद है एक मेटाफिजिकल शील्ड बनाया क्या बनाया होगा मेटाफिजिकल शील्ड जिसको पत्थर वत्थर भी कुछ नहीं कर सकता रेज भी कुछ नहीं कर सकता ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी और हजरत ब्लैक होल्स के उस कशिश से ग्रेविटेशन से भी बाहर निकल सकते हैं और मुंतहा तक पहुंच सकते हैं ये उस्ताद उसताद हफि ने तफसी नहीं बताई है लेकिन चलिए मसाइल इसमें कौन से हैं साइंस स्टूडेंट को मालूम होनी चाहिए ये मसाइल है प्रॉब्लम वहाँ और हमारा जो मैंने ठहरी दी उससे मुश्किल हल हो जाती है वो फिज़िको मेटाफिजिकल फिज़िकल कम्ब, कम एक नज़रिया है जिसमें हमारे फिज़िकल साइंटिस्ट को चाहे कि मेटाफिज़िकल पावर्स को भी क्या करें अंडर एस्टिमेट न करें उनको भी काउंट करे तो जनाब हम यहाँ आप टेलीपैथी से और एनर्जी से क्या क्या, क्या काम यूरोप में भी आप करते हो अगरच वो फिज़िकल नहीं है ये मेरा फिजिकल काम मुमकिन है आप देखते हो और इस्लाम इस्लामी नहीं है दूसरे मजाब के भी जो स्परिचुअल मैन हैं वो अब भी ऐसे काम करते हैं और दिखाते हैं तो महराज पे पहुँचा हमारे रसोल्ला पूछे कहाँ फिज़िकल वर्ल्ड ये आगा हमारे कहते हैं पास वहाँ तक वहाँ से जैसद मुबारक ही नहीं कहते कहाँ रह गए क्योंकि बस यहाँ पर कोईीस नहीं है जैसद मुबारक पैगम्बर सल्बात का वही फ़र्ज करें ब्लैक होल्स एक्सट्रीम है ठीक है वर्ल्ड का वहाँ रहा और जिस रोह मुबारक अब आसमान जहां ने मानवी में मेटाफिजिकल वर्ल्ड के आसमान जो है ये हमारा आसमान कौन था वहाँ तक फ़िज़िकल आसमान वहाँ से चले गए तशरीफ ले गए रूह ले गई ठीक ये सारे हमारे लेकिन ये वाला कि जिसम के साथ जिसमें अतहर के साथ रसूल लग गए बेतुलमक़दस से मसलन ब्लैक होल तक ये उनका ही नजर करंट हमारे अच्छे उलामा में और मुझे खुशी हुई इतना प्यारा जो अपडेट नज़रिया है तो लेकिन हम Uh, मुश्किल हम नहीं देखते कि वहाँ वहाँ तक आगा आपने कबूल किया हमने उसको हल किया किस तरह गया वहाँ वहाँ भी जाना आसान नहीं है मसाइल है और लेकिन आप कहोगे वो फिजिकल वर्ल्ड जो फिजिकल वर्ल्ड ये फिजिकल बॉडी ये मेटा बॉडी वर्ल्ड में कैसे जाएगी ठीक है ना ये क्या रहे इसमें लेंथ है ब्रथ है डेप्थ है, है मैटर है टाइम है मकान है ये उस चीज में जिसमें ये चीजें नहीं वो कंट्राडिक्शन है मुमकिन नहीं हां ऐसे तो नामुमकिन लगता है ठीक है जी ऐसे नामुमकिन लगता लेकिन ये मुमकिन हो सकता है कैसे मुमकिन हो सकता है आप लोगों को नहीं मालूम हमारे जो बड़े बड़े फिलासफर्स और साइंटिस्ट उठे हैं उनने अच्छे अच्छे रिसर्च है मसलन आप लोग कहते हो ये फिजिकल वर्ल्ड किससे बना है मैटर किससे बना है 120 एलिमेंट्स से यार 22, 29 कितने हैं जो आजकल पहुंचे यही तो है इन एलिमेंट्स से बने हाँ ये हम नहीं इसको रिजेक्ट नहीं करते ये बनाते किसको फिजिकल वर्ल्ड को ओके फिजिकल वर्ल्ड को और फिजिकल वर्ल्ड को मेटा फिजिकल कन्वर्जन में एक जो स्टेप लेना है वहां पर चार एलिमेंट्स क्या है चार एलिमेंट्स अगर आपको याद हो पुराने जमाने में कहते थे चार ही एलिमेंट्स है दुनिया में वो गलत नहीं कह रहे थे वो अपनी बात अपनी जगह कह रहे थे आग है पानी है हवा है और मिट्टी खाक है मुराद ये मेटाफिजिकल एलिमेंटल एग्जिस्टेंशियल एग्जिस्टेंशियल एक रिप्रेजेंटेशन है ठीक है चार पावर ये ये मेटाफिजिकल पावर्स है न फिजिकल पावर्स हाँ वो यहाँ आके ऐसी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन उनकी जो अरेंजमेंट है वो मेटाफिज़िकल है बस जिसम को जिसम इन्हीं चार में जिसम इन्हीं यानी 120 या 125 है कितने एलिमेंट्स जो है फिजिकल एलिमेंट्स ये कन्वर्ज हो जाते हैं कहाँ उनकी काज कौन सी है उस चार एलिमेंट्स में तो चार मिट्टी भी गई आपको मालूम है मिट्टी की तीनियत वाली कर जो इंटरप्रटेशन है हम एक ही खुलकर तो ना मिन अफाजल तीन तना हमारे शिया हमारी बच्ची कुची मिट्टी से बनाए गए हमने आदम को मिट्टी से बनाया कहाँ बनाया जरत आदम कहा थे जन्नत में थे या दुनिया में थे न बताए बताए ना हजरत आदम को ओझा बनाया गया कहा बनाया गया जन्नत में या दुनिया में नहीं यहां सकूद किया हबूद किया हबूद किया किसने जो बना हुआ था वो कौन सी मिट्टी थी वो फिजिकल मिट्टी नहीं थी हाँ जब उसने फ्रूट खाया उसमें फिजिकल करेक्ट्रिस्टिक्स आ गए और कहा अब यहाँ रहना मुमकिन नहीं है इसको जिंदा रहने नीचे चले जाओ तो ये वाला फिजिकल जो जो 120 वाला एलिमेंटल जो बॉडी है वो कहाँ हुआ जाहिर यहां हुआ।, यह हुआ यह हमारे फिलासफी के साथ मुताबिक है ये सूरतें ये यह जो यह यह यहां पर एलिमेंट से यकोन भेजते हैं मलाइका तो ला भेजते हैं आप क्या आप प्रूव नहीं कर पाते क्योंकि आपकी जो एक्सपेरिमेंटल जो जुरिस्डिक्शन है वो फिजिकल है आप इनकार नहीं कर सकते जो आप नहीं जानते ठीक है जो आप नहीं जानते आप कहो फिजिकल छोड़ दो मेटाफिजिकल टूल ले लो आपको प्रूव हो जाएगा दुनिया इस्लाम में पहली नजर में दे रहा हूं महराज पर भी और इस किस्म के साइंटिफिक और फिलोसफिकल इस्लामिक कंसेप्शन ठीक तो वहां कन्वर्श हुए बस रसूलुल्लाह हम तस्वुर कर सकते हम सपोज कर सकते हैं, हैं प्रज्यूम कर सकते हैं किस चीज को कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्ह उस चार वाले एलिमेंटल स्टेज में गया होगा कहाँ पर आसमान मानवी में मेटाफिजिकल आसमानों में वर्ल्डों में यूनिवर्स में तो आप उसको जिसम कह सकते लेकिन किस फार्म में दूसरे फार्म